नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस कमाल की वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल टेक पर। दोस्तों, आप सभी को मिलेंगे जितने भी बेरोजगार हैं सभी को यहां पे 3,000 रुपये महीने का भत्ता देने की तैयारी में है सरकार। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल तो पढ़ लिया होगा कि मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में कि अब बेरोजगारों को हर महीने 3,000 रुपये तक का भत्ता देने की तैयारी श्रम मंत्रालय ने भेजा प्रस्ताव। दोस्तों, नई नई खबर है, 19 फरवरी यानी कल की लेटेस्ट न्यूज़ है, तो इस वीडियो को पूरा जोर से देखना। अगर आप भी बेरोजगार व्यक्ति हो, इंडिया में रहते हो, किसी भी राज्य में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। अगर आप भी जानना चाहते हो कि भाई पूरा मामला क्या है, 3,000 रुपये मिलेंगे तो कैसे कैसे मिलेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा जब हमें 3,000 रुपये हर महीने मिलेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहिए। मगर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चाहोगे इन फ्यूचर में ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी सबसे पहले अपने फ़ोन पर, अपने लैपटॉप पर पाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो के नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब लिख रहा है जिस बटन पे, आपको उस बटन को दबा देना है। और बटन को दबाने के बाद साइड में नोटिफिकेशन बेल आई घंटी आएगी, आपको उस घंटी को भी ऑन कर लेना है हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए। और आपको इस वीडियो पसंद आती है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब बेरोजगारों को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। दोस्तों, मोदी सरकार यहाँ पर बहुत ही मतलब तैयारी में है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो नई दिल्ली 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अब तक के खुश रहने में जुटी केंद्र की मोदी सरकार ने अब युवा बेरोजगारों को तोहफा देने की तैयारी कर ली है। श्रम मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने युवा बेरोजगारों को हर महीने 2,000 रुपये से लेकर और 3,000 रुपये तक का भत्ता देने का यहाँ पे प्रस्ताव भेज दिया है। इस प्रस्ताव पर 15 मार्च से पहले फैसला हो सकता है। दोस्तों, अभी फाइनल नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस दोस्तों यहाँ पे भेज दिया है श्रम मंत्रालय ने, तो यहाँ पे 15 तारीख को पता चल जाएगा। और जैसे ही पता चलेगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि क्या हो रहा है। जैसे ही फॉर्म भरा जाएगा तो कैसे फॉर्म भरा जाएगा मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पे दे दूंगा इस चैनल पे। तभी आपसे बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। इन मुद्दों पर चल रहा है विचार, कितने लोगों को बेरोजगारी का भत्ता दिया जाए, बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सालाना कितने धन की आवश्यकता होगी और इसका इंतजाम कहाँ से होगा। नंबर 3, बेरोजगारी के लिए कम से कम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या ग्रेजुएट से किस मतलब किसे माना जाएगा बेरोजगार। क्या बेरोजगार, यहाँ पे दोस्तों नीचे लिख रहा है, क्या रोजगार कार्यालय में पंजीकृत सभी लोगों को बेरोजगार माना जाएगा। इसके बाद नीचे देखते हैं यहाँ पे, तो इस मामले से जुड़ी कुछ लोग 10वीं पास को बेरोजगार मानते हैं जबकि कुछ लोग ग्रेजुएट को भत्ता देने की बात कर रहे हैं। तो बेरोजगारी भत्ता पाने वाले युवाओं की पारिवारिक आय कितनी होगी। दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे बताऊंगा कि मतलब आप कैसे कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें पा सकते हो। तो किसानों और नौकरी पेशा लोगों को राहत दे चुकी है सरकार, यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पढ़ सकते हो इस वेबसाइट पे आके मनी भास्कर पे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।